हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए कतई जहर ट्रिक्स लाया हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने आज की इस वीडियो में डाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एक ओपी ट्रिक से, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है पहले ग्रुप में। आप चाहे तो सोलो में भी इस ट्रिक को कर सकते हो। पहले आपको टैप करना है पर क्राफ्ट लैंड पे, फिर आपको यहाँ पर राइट में दिख रहा है ये मैप, इनमें से आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जिसके भी ऊपर क्लैश स्क्वाड लिखा होगा उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे क्विक मैच पे टैप करना है, फिर आपको जाना है कंट्रोल्स में, और कंट्रोल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन जो है ड्रैग पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली गेम को स्टार्ट करना है। और गेम को स्टार्ट करने के बाद बस यहाँ पर वेट करो जब तक कि आपका पहला राउंड फिनिश हो जाए। और जैसे आपका राउंड फिनिश हो जाए, यहाँ पर जैसे ऊपर राउंड दिखाएगा ना, आपको जल्दी से यहाँ पर जॉयस्टिक पे टैप करना है इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। फिर आप यहां पर रेड जोन से जो है बाहर चले जाओगे, और यहां पर जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, टीममेट्स होंगे, सभी के सभी यहां पर सरप्राइज होने वाले हैं। और यहां पर आपके जो एनिमीज होंगे ना, उनको भी आप बाहर ही दिखोगे। और यहां पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इस रेड जोन का, इसलिए मैंने यहाँ पर नेट को ऑफ किया है। और अगर आप यहाँ पर एनिमीज़ के पास भी जाओगे ना, वो भी यहाँ पर रेड जोन में ही होंगे, बट आप बाहर होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सभी को सरप्राइज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है हैंगर में, और हैंगर में आपको अपने साथ एक गाड़ी लानी है। तो आपको गाड़ी को इस तरह से राइट साइड में सेट करना है, इस ट्रक के राइट साइड में, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और गाड़ी को इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पर गेट आउट कर देना है, इस तरह से एंटर करके। फिर यहाँ पर जो आपको नेट को ऑफ करना है, और नेट को जैसे आप ऑफ करोगे आप आ जाओगे ज़मीन के नीचे। और वैसे तो हम बहुत सारी जगह पर नीचे आ सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खास है। तो यहाँ पर ये जो आपको कुछ ब्लैक टाइप का दिख रहा है, इसके आर पार आप निकल सकते हो। मुझे भी पता नहीं क्या है, वॉल है पता नहीं क्या है, बट इसके आर पार आप निकल सकते हो। और ऊपर अगर इस ड्रम के पास कोई एनिमी होगा उसको आप इसलिए यहाँ से किल कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर थ्री को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है अल्पाइन मैप में। और यहाँ पर मैंने पिछली ट्रिक में, मतलब ट्रिक नंबर टू में, एक बात गलत बताई है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको वही बताना है मुझे कि मैंने वो बात क्या बताई, और वही जो है आज का क्वेश्चन है। अगर आपने उसका सही आंसर दे दिया फिर आपका कमेंट पिन भी हो सकता है। तो यहाँ पर एंट्री को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, फिर आप यहाँ पर बैठकर जो है कैंप वगैरह कर सकते हो। किसी भी साइड से आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, इसलिए आप यहाँ पर बैठकर अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर फोर की ओर। इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है ऑब्जर्वेटरी में, अपने बुरमुड़ा मैप में। और यहाँ पर आपको अपने साथ एक गाड़ी लानी है, इस तरीके से आपको गाड़ी को सेट करना है। फिर यहाँ पर एंटर करके जो है गेट आउट कर देना, उसके बाद आप आ जाओगे अंदर, और यहाँ पर बैठकर आप कैंप वगैरह कर सकते हो। और ऊपर जो भी एनिमी होगा ना, आपको यहाँ से अच्छे से दिखेगा कि ऊपर कहाँ पर एनिमी है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ आपको नीचे से ही दिखेगा, बट आप उसको किल गन से नहीं कर सकते। चलते हैं ट्रिक नंबर फाइव की। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है कहीं पर भी, आप इस ट्रिक को कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको पहले ग्रेनेड फेंकना है, ग्रेनेड जैसे ही फेंकोगे यहाँ पर जल्दी से नेट को ऑफ कर दो। और यहाँ पर आप जो तो किसी और तरीके से भी यहाँ पर किल हो सकते हो, बट किल होने से पहले आपको जल्दी से यहाँ पर नेट को ऑफ करना है। और नेट को ऑफ करने के बाद आप खुद ही किल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से देख लो, मैं यहाँ पर बरमुड़ा खेल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से, मतलब सेंटोसा जो है सिर्फ बरमुड़ा में ही होता है और कहीं पे भी बरमुड़ा रिमास्टर्ड में नहीं होता है। तो लगभग 30 सेकंड होने के बाद आपको नेट को ऑन करना है। नेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर बस वेट करो अपने किल होने का। और यहाँ पर जैसे आप किल हो जाओगे फिर आप किसी भी यहाँ पर एनिमी के स्पेक्टेटिंग पे चले जाओगे, फिर आपको बैक करना है। और जैसे आप यहाँ पर बैक करोगे यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर दिखा रहा है बुया और #1 भी दिखा रहा है। और लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बरमुड़ा रिमास्टर था, बरमुड़ा 2.0 था। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको किसी भी यहाँ पर सीमेंट हाउस के पास आना है। इस तरह से आपको गाड़ी को यहाँ पर सेट करना है जीप को, फिर उसके ऊपर अपने फ्रेंड को बिठाना है, और फिर आपको खुद भी गाड़ी के ऊपर चढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से अपने फ्रेंड के ऊपर चढ़ना है, यहाँ पर ये ब्लू टाइप का कुछ सर्कल दिखाएगा, फिर आपको यहाँ पर जंप करना है। और जैसे आप जंप करोगे आप आ जाओगे इस हाउस के ऊपर, और जो भी यहाँ पर एनिमी होगा उसको आप इसलिए यहाँ पर किल कर सकते हो। और इस ट्रिक को यूज़ करके ना आप यहाँ पर किल कर सकते हो। आपको ना ग्लोवाल की जरूरत है, आपके पास गाड़ी तो कभी कभी होती है, इस तरह से आप इसलिए यहाँ पर एनिमी को किल कर सकते हो बिना रश किए। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है बीमा शक्ति के पास। आपको ऊपर की साइड जाना है, इस तरह से आपको गाड़ी को चलाना है, और यहाँ पर पहुँच के आपको जल्दी से यहाँ पर गेट आउट कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर गेट आउट करोगे आपकी गाड़ी जो है इस छत के ऊपर चली जाएगी। और अगर आपको खुद भी ऊपर जाना है फिर आपको इस तरह से यहाँ पर एक ग्लोवाल सेट करना है, फिर आप ऊपर इस तरह से जा सकते हो। तो यहाँ पर ग्लोवाल को सेट करके आप ऊपर जा सकते हो, और यहाँ पर आप गाड़ी को चला सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको देखेगा वो यहाँ पर पूरा सरप्राइज होने वाला है, और यहाँ पर जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो यहाँ पर पूरा जो है सरप्राइज होने वाले, मतलब वो सब सोचेंगे कि इसकी गाड़ी को इसके छत के ऊपर कैसे लाया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है अल्पाइन मैप में, और अल्पाइन मैप में आपको आना है वेंटेज में। तो वेंटेज में आपको इस वाले हाउस के पास आना है, यहाँ पर आप लोकेशन अच्छे से देख सकते हो। पहले आपको सीढ़ी से ऊपर जाना है, फिर आपको इस तरह से यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक जंप करना है, फिर आप इसके ऊपर चले जाओगे।
और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोन करना है, फिर आप यहाँ पर बैठकर कैंप वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, नॉर्मल यहाँ पर कोई ऊपर भी नहीं चढ़ पाएगा। और यहाँ पर आपको ग्लूवॉल की भी कोई भी जरूरत नहीं है, तो इजिली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं अगली ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको आना क्लैश स्क्वाड में, और यहाँ पर जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाय करना है। और ये बाय करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो है नॉक होना है पानी के पास, आप इस तरीके पर नॉक हो सकते हो। और नॉक होने के बाद आपको पहले टैप करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब उसको यूज़ करने लग जाना है, फिर यहाँ पे नेट को जो है ऑफ कर लेना है। और जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा फिनिश हो जाए, फिर आपको जॉयस्टिक को इस तरह से घुमाना है, फिर यहाँ पे पानी में चले जाना है। और यहाँ पर जैसे ही पानी में पहुँच जाओगे, यहाँ पर आप खुद ही जो है रिवाइव हो जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड पे, फिर आप यहाँ पर देखना असली मैजिक। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ पे ध्यान से अगर देखोगे, तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन था जो मैंने यूज़ किया, वो अभी भी मेरे हाथ में ही है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो है ग्रीन लाइट का कुछ दिखा रहा है टाइप का, तो इस तरीके से इसलिए इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको कस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपको खुद ट्रिक करना है, फिर आपके फ्रेंड को कस्टम बनाना है। अगर आपके फ्रेंड को ट्रिक करना है, फिर आपको जो है कस्टम बनाना है। ध्यान से सुनो, अगर आपको ट्रिक करना है ना, फिर आपको कस्टम नहीं बनाना है। तो जो कस्टम बनाएगा वो ये ट्रिक नहीं कर पाएगा, और जो कस्टम नहीं बनाएगा वो ये ट्रिक कर पाएगा। तो इस ट्रिक को कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी यहाँ पर अच्छे से बता दूंगा। तो पहले आप यहाँ पर देख लो कितनी सारी यहाँ पर हमने जो है गाड़ी बुलाई है, कितने ड्रॉप यहाँ पर आ चुके हैं, एक के बाद एक यहाँ पर आ ही जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ी यहाँ पर ऊपर आ चुकी है, मतलब यहाँ पर एक ही गाड़ी से हम पूरा सरप्राइज हो सकते थे, बट हमने जो है यहाँ पर पूरा गाड़ियों का भंडार लगा दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मस्त दिख रहा है, मतलब कुछ अलग टाइप का है यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर गाड़ियों का व्यापार करता हूँ, और मैं यहाँ पर गाड़ियों को बेच रहा हूँ। आप भी बोलो एक गाड़ी खरीदनी है तो 1.5 लाख है एक गाड़ी का कीमत, उससे कम मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस गाड़ियों को ला सकते हो। यहाँ पर आपके जितने भी फ्रेंड्स भी होंगे वो भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाएंगे। और यहाँ पर जो नीचे एक एनिमी भी आ चुका था, वो ऊपर आने का ट्राई कर रहा था, बट वो यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकता था। और मैंने यहाँ पर जो है अनलिमिटेड एमओ भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ऊपर नहीं आ पाया। और यहाँ पर देखो ड्रॉप का तो फिर भी अलग बात था, मतलब यहाँ पर आप देख ही सकते हो ड्रॉप का भी यहाँ पर पूरा जो है भंडार लग चुका है। और आप या तो गाड़ियों का या ड्रॉप का या इन शॉप का, मतलब किसी भी चीज़ का भंडारा लगा सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे से हमने सब कुछ देख लिया, अब हम फाइनली देखते हैं इस ट्रिक को कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके फ्रेंड को ये ट्रिक करना है, फिर आपको खुद जो है कस्टम बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कस्टम क्रिएट किया है, इस तरह से आपको फिर जाना है सिंपली गेम सेक्शन में, और यहाँ पर आपको ये वाला मास्टरमाइंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाकी आप जिस भी मैप में चाहो जो भी करो, सब कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कस्टम बनाया, इसलिए मैं यहाँ पर जो है सिर्फ स्पेक्टेट ही कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर गेम नहीं खेल सकता। तो यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है, फिर आपको व्हीकल पे यहाँ पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको जो है अपनी लोकेशन को इस तरह से घसीटते घसीटते वहाँ पर लाना है जहाँ पर आपको ड्रॉप लाना है। फिर आपको इस ग्रीन टिक पे टैप करना है, और जैसे आप यहाँ पर इसको टैप करोगे आपका ड्रॉप जो है यहाँ पर आ जाएगा। और जितना आप चाहो उतनी बार इसको यूज़ कर सकते हो, बट हर यूज़ करने के बाद आपको पहले 14 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। और यही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।